बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। ये देखिए, इसके जिंदगी में बहुत दुख है, जो कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे सोया है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग ड्रीम लाइफ ब्लॉग्स। तो अभी बजे सुबह के 6, धूप भी निकल गया है, देख सकते हैं मेरे ऊपर धूप है। यार देखिए, ये देखिए, सिर्फ आएगा और पाव चाटेगा और एक आ रहा है, इसे लगा कुछ खाना है। भाई देवे, मैं जब भी घूमने जाता हूँ ये लोग साथ साथ चलते हैं, मैं कहीं भी जाऊंगा ये साथ साथ चलेंगे। ये देखो साथ साथ क्या, ये सामने चलते हैं, बहुत प्यारे हैं। ये देखो आज थोड़ा पापा को दांत के डॉक्टर के पास ले जाना है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गया, रेडी हो गया, चलते हैं। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रात में इतना ठंड लग गया, दीदी ने फैन चला दिया था, इसी वजह से पूरा ठंड लग गया, हालत पूरा ख़राब है मेरा। इसे कांटे चुभ गए, इसी वजह से इंक्वायरी कर रहा है कौन चुभ गया। अब वो कांटे से बदला ले रहा है। ये देखिए, इनको कौन भेज रहा है पेड़, भाई खुद ही ऊपर जाएंगे, पता नहीं कैसे उतरेंगे। ये देखिए, पूरे पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, ऊपर जाके ऐसे क्यूट सी आंखें करके देखेगा नीचे की तरफ। बहुत प्यारे है, बहुत प्यारे है। अरे वो नीम की पत्ती है भाई, पता नहीं अब नीचे कैसे उतरेगा। अब ये देख रहा है किधर से निकलेगा, ये देखिए आ गया ये पेड़ में चढ़ गया उसके डर से, जब अचानक गिर गया उसे डर लग गया। बाइक में बैठ बैठ के देखिए कैसा गंदा कर दिया, सब मारेंगे तुम दोनों को ना। वैसे बाइक लेकर हम रेडी हो गए, अभी पापा को लाना है। पापा बोल रहे थे बस में जाने के लिए, लेकिन मैंने बोला कि बस में जाने बहुत लेट हो जाएगा, कब आएगा पता नहीं, डॉक्टर के पास कैसे पहुंचेंगे, इसी वजह से हम लोगों ने बाइक ले लिया, तो अभी निकल रहे। तुम्हें भी चलना है क्या? चलो चलते हैं, तुम भी चलो, तुम्हें भी डॉक्टर को दिखाएंगे। वैसे मैं तो निकल ही गया था, लेकिन चश्मा दे गया था, ले लेते। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। पहुंच गए हम डॉक्टर के पास और रजिस्टर पे नाम भी लिखवा लिया। कितने लोग आए यार, कितने बड़े बड़े हथियार भी है यार। वैसे यह मस्त खाना पीना हो गया, अभी थोड़ा निकलते हैं बाइक के शोरूम की तरफ, वो बाइक का वाला पार्ट्स वो थोड़ा बदलना था, इसी वजह से हम जा रहे हैं बाइक के पार्ट्स कहाँ मिल रहा है वहाँ देखने के लिए। यार इस बाइक के वजह से धूप में यार हालत खराब हो रहा है, पता नहीं किधर है, ढूंढते थोड़ा। वैसे यहाँ के अंकल से मिले, अंकल बहुत अच्छे हैं, पूरे चीज़ एकदम अच्छे से समझाते हैं, जैसे कि हमारा बाइक में लिखा था कावासाकी, लेकिन बाइक का मॉडल कावासाकी नहीं है, वो केडीआर 150 है, वो अंकल बहुत अच्छे से समझाया, अंकल बहुत अच्छे है, मतलब बहुत अच्छा लगता नहीं यार। वैसे केडीआर 150 का मतलब बाइक का कवर नहीं मिल रहा है यहाँ,
और एक वो दुकानदार ने बोला कि कुछ कार्बोरेटर चेंज करना है, अब चलो देखते हैं आगे। वैसे मुझे हेलमेट पहनना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पापा बोलते हैं पहनने के लिए, इसलिए पहन लेते हैं। अभी गए हैं उधर पूछने के लिए, मैं थोड़ा इधर खड़ा हूँ। फायदा हुआ है ये जो लाल वाला लोग है वो ऐसा दिखा रहा है जैसे उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो कुछ नहीं पता। आखिर में बोलेगा मुझे पता नहीं है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। वैसे बोल के चला गया कि आगे देखो आगे मिलेगा, वो तो हमें भी पता है आगे मिलता है। वैसे यहाँ पे आके काली माता के मंदिर देखने को मिल गई। वैसे हम थोड़ा देखते हैं सामने से, माता के दर्शन हो गए बस, बाहर से अंदर तक नहीं जाएंगे। अरे अंकल थोड़ा होता है, वैसे आप लोग देख लीजिए। वैसे यहाँ पे बहुत लोग अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पे धागा बांधते हैं। हम भी भगवान से यही दुआ करेंगे कि सबकी मन्नतें पूरी हो जाए। हेलमेट पहन के बालों की हालत खराब हो गई। अभी जहाँ लास्ट टाइम गए थे वहाँ पे तो पर्स नहीं मिला, अभी थोड़ा दूसरा दुकान पे चलते हैं। यार आज घूमते घूमते हालत खराब हो गई पूरा। ये बस एक आखिरी उम्मीद है, यहाँ पे यदि नहीं मिला तो फिर और नहीं ढूंढेंगे भाई, घर चलेंगे सीधा। वैसे उन्होंने थोड़ा उम्मीद दिखाया कि ये हो सकता है, अब उन्होंने बोला कि वो नहीं दे सकते, वो पहले तो मैकेनिकल को दिखाना पड़ेगा, मतलब जो गैरेज के लोग है वही जो सजेस्ट करेंगे वही खरीद के लगाना पड़ेगा। यार यहाँ इतना धूप और इतना शोर कि मेरा सच में यार दिमाग फटा जा रहा है, सर बहुत दुख रहा है सच में। यार सर को दुख रहा था इसीलिए सोचा थोड़ा ठंडा कुछ खा ले, वैसे भी ठंड लगी थी, कोई बात नहीं क्या कर सकते। ये देखिए इसके जिंदगी में बहुत दुख है, जो कोई प्यार नहीं करता इसीलिए यहाँ पे सोया है। देखिए इसका शकल, देखिए शकल देखते आपको पता चल जाएगा, बहुत दुख है इसके जिंदगी में। क्या तकलीफ है तेरे जिंदगी में बोल। बारिश आने वाला है इसी वजह से। की बोले बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत।
थोड़ा भगवान का भोग है, खाने से पेट बहुत ठंडा होता है। हम दोनों सो गए हैं, सो गए हम दोनों। वैसे सब लोग जा रहे हैं अपने मामा के घर, आज मामा का बर्थडे है इसी वजह से ये थम्स अप कुकरे सब लेके जा रहे हैं। वैसे मम्मी ने बोला था केक लाने के लिए, ये देखिए मामा ने बोला था केक, माँ ने बोला था केक लाने के लिए, लेकिन मैं भूल गया इसीलिए दुकान से ये सब ले लिया। चलते हैं अभी। देखिए एक बार इनको, इन चेहरे को देखिए, इन मासूम चेहरे को देखिए, देखिए इन मासूम चेहरे को, कितने बदमाश है ये। इधर देखिए, जैसे इसे कुछ नहीं पता। और एक ये आ गई, इन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, पूरा फैमिली पैक। वैसे हम तो आ गए मामा के घर से खाना वाना खा के, वहाँ पे वीडियो में नहीं दिखा पाया इसलिए माफी चाहता हूँ। वैसे अभी हम जा रहे हैं सेंटर की तरफ, ये देखिए सामने देखिए, ये लोग इंक्वायरी करने बैठे हैं, मैं किधर जा रहा हूँ, रास्ते पे बैठेंगे। वैसे मैं पहुंच तो गया, लेकिन इधर बारिश हो रहा है या धूप है कुछ पता नहीं चल रहा है, धूप भी है बारिश भी है दोनों एक साथ हो रहा है। ये पकड़ लिया, आप देख सकते हैं खा रहा है इसको, बस ये सोच रहा है क्या हुआ, क्या खा रहा है ये, दे इसे भी कुछ दे, पूरा खा लिया बस। किसे आज है? ये पूछ रहा है तुम क्या खा रहे हो, मुझे भी दो।